और नाजरीन, अब हम आपको ले चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर, एक इंतहाई खूबसूरत खित्ते कोटली का हुस्न बयान कर रहे हैं वसीम वसी, 88 न्यूज़ आज़ाद कश्मीर से। कोटली आज़ाद कश्मीर का एक खूबसूरत जिला है। आबादी के इतबार से कोटली कश्मीर के बड़े अज़ला में से एक है। कोटली की खूबसूरती इसमें मौजूद 300 से ज़ायद मसाजिद की वजह से है, इसलिए कोटली शहर को मदीनतुल मसाजिद भी कहा जाता है। कोटली की बाकी सारी खूबसूरती को छोड़ते हुए मैं कोटली के एक नवाही गांव बड़ाली की तरफ आता हूं। बड़ाली में दाखिल होते ही इसमें मौजूद एक कदीम तर्ज तामीर का खूबसूरत टनल मौजूद है, जिसकी वजह से कोटली को बाबे कश्मीर भी कहा जाता है। ज़िला कोटली का नहायत ही खूबसूरत गांव, जिसे लोग बड़ाली के नाम से याद करते हैं, इसकी ख़ास पहचान यहां टंडल है, जिसको बाबे कोटली कहा जाता है। इसकी बिल्कुल ऊपर जो एग्जैक्ट कोटली शहर, जो पुराना आबाद था, जिसको कोटली मंगलारा कहा जाता है, वो बेसिकली कोटली मंगराला जो वो इसके ऊपर वाक़ है। और बेसिकली कोटली की जो पहचान है वो इसी से है, इसको बाबे कोटली इसी वजह से कहा जाता है कि इस सुरंग से होते हुए ही जो भी लाहौर से, कराची से, गुजरांवाला से, पिंडी से, मीरपुर से, छम से जो भी आएगा वो इसी रास्ते से कोटली में दाखिल होगा, इसकी वजह से इसको बाबे कोटली कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इस बड़ाली की तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो इसको अल्लाह पाक ने एक और खसूसियत से नवाजा है, और वो कोटली के साथ मुल्हिका गाँव बड़ाली में दरबार बाबा सैयद अकबर बादशाह वाक़ है। ये वो दरबार है कि जो पाकिस्तान बनने से पहले और कश्मीर की पार्टीशन से पहले की कायम है, और इस दरबार शरीफ से ऊपर जो पहले रास्ता होता था, पुराना कोटली जो मीरपुर से गाड़ियां आती थी वो इसके ऊपर से जाता था, फिर ये रास्ता नीचे से हुआ जिस जगह पे आज हम खड़े हैं। बाबा अकबर बादशाह दरबार की एक बड़ी खसूसियत यहाँ है कि यहाँ पे मीठे पानी का चश्मा है जो 24 घंटे बहता है, और तमाम मुसाफिर जो यहाँ पे आते हैं उनको ये पानी फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, उनकी खिदमत की जाती है। और ये दरबार महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतज़ाम है, मीठे पानी का चश्मा रवां दवां रहता है, कोई मुसाफर आए, जहां से भी कोई आए, उसको ये पानी मुयस्सर होता है। इसके साथ साथ हमारा जो गांव बड़ाली, इसकी अब वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में एक अलग तारीखी हैसियत के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक हैसियत भी हो चुकी है कि यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो कायम हुआ है। अब बड़ाली जो पहले ही नहायत ही खूबसूरत वैली है, अगर देखा जाए कि ये तमाम बड़े पहाड़ों के दरमियान एक नहायत ही खूबसूरत खित्ता है, इसको और चार चांद लगे हैं कि यहाँ पे जो बड़ाली गुलपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी वजह से झील कायम हो चुकी है। सयाह यहाँ पर आते हैं, विजिटर्स आते हैं, यहाँ पर आके तस्वीरें खिंचवाते हैं, सैर करते हैं, नहायत ही खूबसूरत मंज़र होता है। और इसके साथ साथ बड़ाली के गाँव के लोगों ने अपनी नहायत ही कीमती ज़मीनें उनको पानी की नज़र किया है, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का साथ दिया है, और आज यहाँ पे 1 मेगावाट बिजली भी पैदा होती है, जिससे न सिर्फ ज़िला कोटली के बिजली की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है, बल्कि डुडियाल, पलंदरी, सुदनुती, इन तमाम मुल्हिका इलाकों की बिजली भी ये हमारा जो बड़ाली गुलपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये सारी जो बिजली की ज़रूरत है उसको भी पूरा कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 हाई स्कूल, एक गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, एक बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कायम है, जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियाँ वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं।
इनके साथ साथ हमारे यहाँ पे दो प्राइवेट तालीमी इदारे वो भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शऊर की भी कमी नहीं है। यहाँ पे हमारे एक सादात फैमिली है, उनका बच्चा इस वक्त लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो चुका है। मुतअद्दद बच्चे हमारे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, जो मुल्क और बैरून मुल्क खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे वकला की भी तादाद मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा यहाँ के जो सबसे मैं समझता हूँ कि दूसरे इलाकों से मुमताज़ है, यहाँ पे तीन चार बड़ी बरादरियाँ बसती हैं, लेकिन कोई भी काम काज हो, कोई शादी ब्याह हो या कोई फोतकी हो, तो तमाम नहायती शीरो शक्र होके एक दूसरे की मदद करते हैं। कब्रिस्तान का काम हो, कोई वेलफेयर का काम हो, तो बिला रंग व नस्ल सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और ये मेरा ख्याल है हमारी इस बड़ाली की एक जुदागाना हसीयत है। और यहाँ पे मसाजिद भी कसीर तादाद में मौजूद है। किबला हजरत साहब के एक फैज जारी है, जिस तरफ देखें तो नहायत ही खूबसूरत गुंबद नज़र आते हैं, मसाजिद नज़र आती हैं, अल्लाह वाले नज़र आते हैं, दरवेश नज़र आते हैं, हुफाज नज़र आते हैं। यहाँ पे कसीर तादाद हुफाज कराम की है। यहाँ पे मजहबी अदारों से फारुग तहसील बच्चों की एक बड़ी तादाद है। हमारी बेटियाँ हमारे अपने कॉलेज से, गाइडेंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज से हमारी बेटियाँ फारिग होकर वो डॉक्टर बन रही हैं, कुछ डॉक्टर बन चुकी हैं, कुछ आखिरी दो तीन सालों में हैं। हमारा एक लड़का यहाँ पे शुएब सलीम है, उसने बोर्ड में पोजीशन ली, वो किंग एडवर्ड में आज़ाद कश्मीर में उसने सीट ली, वो भी हमारे एक एजाज़ की बात है। हमारी सादात की दो बेटियाँ हैं, वो यहाँ पे MBBS कर रही हैं। हमारे बच्चे जो है ना वो प्रोफेशनल स्टडीज़ में भी आगे जा रहे हैं, और आने वाली नस्ल इंशाल्लाह मैं तवक्को रखता हूँ कि वो इससे भी ज़्यादा जज्बे के साथ, जोश के साथ और वलवले के साथ और तालीम के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग सियालकोट से आए हैं, टूरिज्म के डे आज वर्ल्ड टूरिज्म डे, उसके लिए हम लोग कश्मीर विजिट करने के लिए निकले हैं आज। कश्मीर में आप जब दाखिल हुए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह अच्छी लगी? हम लोग मीरपुर के रास्ते से दाखिल हुए, वहाँ का डैम बड़ा खूबसूरत था। उसके बाद ये पीछे एक गाँव गुजरा है, बिनाली शायद बड़ाली गांव गुजरा है, उसका एक व्यू था, जो नीचे एक झील बनी है, शायद मसनू झील है, जिसका पानी ग्रीन कलर का दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत व्यू था। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस यहाँ पे टूरिज्म के लिए कुछ एक्टिविटी करवाए या कुछ ऐसी चीज़ें लगाए जिससे टूरिज्म यहाँ का प्रमोट हो। सियाहत के एतबार से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि कोटली आज़ाद कश्मीर के नवाही गांव बड़ाली को फ़रोग दें, जो मौजूदा वक्त में हुकूमत की अदम तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सियाही फ़रोग माशी एतबार से कोटली और आज़ाद कश्मीर को बेहतर बना सकता है। 88 न्यूज़ के साथ वसीम वसी, कोटली आज़ाद कश्मीर।